नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अपना राहुल आरके लोटेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आप वैलेंटाइन वीक के लिए बहुत सारा फोटो फ्रेम बना सकते हैं और अपना वैलेंटाइन जो है वो काफी खास और स्पेशल बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वैलेंटाइन वीक फोटो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको सर्च कर लेना है वैलेंटाइन फोटो फ्रेम। क्या सर्च करना है? वैलेंटाइन फोटो फ्रेम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो ऐप्स है वो आ चुका है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर का दिख रहा है वैलेंटाइन फोटो फ्रेम, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ओपन का ऑप्शन आ गया है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर ये ऐप आपको इसमें प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप जो है इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप ओपन कर लेते हैं। तो उसको ओपन कर लेंगे। अभी देखिए, ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे ये देखिए, अब स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। इसको आपको क्लिक कर लेना। तो इसको क्लिक कर लेंगे। ऐड आ गया। ऐड को क्या करना है, यहाँ ऊपर से क्लोज कर लेना है। तो इसको क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको, उसको आपको क्लिक कर लेना। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा जितना भी हम लोग का वैलेंटाइन वीक है उसका सबका फोटो फ्रेम आ चुका है, जिसमें आप अपना और अपने पार्टनर का फोटो लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चॉकलेट डे, ये सब चीज़ है, टैडी डे, ये सब चीज़ आ गया है। तो यहाँ पे आप जो है बहुत सारा फोटो फ्रेम है, तो इसमें अपना और अपने पार्टनर का फोटो लगा सकते हैं। चलिए किसी एक में मैं आपको फोटो लगा के बता देता हूँ। तो चलिए, ये देख सकते हैं, ये रोज डे है, इसको आपको क्लिक कर लेना। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप जो भी है कि बहुत सारे यहाँ पे फोटो फ्रेम आ गया है, तो जिसमें आप चाहते हैं उसमें अपना और अपने पार्टनर का फोटो लगा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये वाला जो है इसको आपको क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अप्लाई दिया हुआ है, अप्लाई नाउ, इसको आपको क्लिक कर लेना। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अपना गैलरी में फ़ोटो रखे होंगे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं फ़ोटो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी। तो ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, फ़ोटो जो है ये बड़ा हो जा रहा है साइज से। तो यहाँ पे देखिए, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने पार्टनर के लिए वैलेंटाइन वीक में फ़ोटो फ्रेम बना के उनको सेंड कर सकते हैं या फिर स्टेटस डाल सकते हैं और अपना वैलेंटाइन जो है वो काफ़ी स्पेशल और ख़ास बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टूल्स के बगल में राइट के साइन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर में स्टिकर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको क्लिक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो है बहुत सारा स्टिकर आ गया है, तो आप इसमें स्टिकर भी लगा सकते हैं अगर आपका मन करे तो और अच्छा लगे तो। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारा स्टिकर है, तो कोई सा भी एक स्टिकर ले लेते हैं। चलिए, ये वाला स्टिकर ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस स्टिकर को कहीं पे भी आपको एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे आपको अच्छा लगे। तो चलिए, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो राइट का साइन दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़िल्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका फ़ोटो अगर अच्छा नहीं है तो उसको आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे और साइड में देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे आप जो है अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंटर टेक्स्ट हियर करके लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेंगे, ऐसे जैसे कि रानी। यहाँ पे ये हो गया है। अब यहाँ पे आप जो है ऊपर में राइट का साइन दिख रहा है, उसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब ऐड जो आ गया है, इसको आपको यहाँ से ऊपर से क्लोज कर लेना है। तो यहाँ से क्लोज कर लेंगे ऐड को, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नाम है इसको आपको यहाँ एडजस्ट कर लेना है कहीं पे भी। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे पकड़ के इसको साइड से, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने मन से जैसे भी चाहें। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो राइट में साइन दिख रहा है, इसको आपको फिर क्लिक कर लेना है एक बार। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जो है यहाँ साइड में देखिए, यहाँ पे शेयर लिखा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे सेव विथ वाटर मार्क, इसको भी क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप जो है इसको स्लाइड को खसकाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आएगा, अदर को क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आप जो है व्हाट्सएप में, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर फाइल में अपने गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से देखिए, यहाँ पे सेव कर सकते हैं एचडी कार्ड में, इंटरनल स्टोरेज में, तो इसमें आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारा फोटो फ्रेम बना के अपना वैलेंटाइन काफ़ी अच्छा और ख़ास बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थ्रू भी बता सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।